खुश होने के लिए आखिरकार आपको कितना पैसा चाहिए? तो मुझे लगता था भाई, अगर मेरे घर की किस्त निकल रही है, मेरे पास गाड़ी है, मैं रोज बाहर खाना खा सकता हूँ और खाना ऑर्डर करते हुए मुझे मेन्यू में प्राइजेस भी ना देखने पड़े, अगर मेरे पास इतना पैसा है और इस पैसे के लिए रोज मुझे अपने 8 घंटे बेचने भी ना पड़े, तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं उस मुकाम पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं खुश नहीं, बल्कि मेरे पास समय था और इस समय में मुझे एक खोखलेपन का एहसास हुआ। ये खोखलापन हमारे साथ रहता है, पर हम क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं तो हमें इसका एहसास होता नहीं, और अगर होता भी है तो हम इसको झट से कंजम्पशन से भर देते हैं। खैर, मुझे पता था कि लोग सत्य की खोज में हिमालय चले जाते हैं, लोग खुद को खोजने भारत आते हैं। हम अमेरिका रहते थे तो मैंने और शिवानी ने भी भारत का रुख किया। भारत आगे हमने ट्रैवल करना शुरू किया, हम केरल गए। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं, अगर मैं फार्म हाउस खोल लूँ, अपना खाना खुद उगाना शुरू कर दूँ तो शायद मैं खुश हो जाऊँ। पर फिर थोड़े समय बाद मुझे लगा कि नहीं यार, जीप खरीदते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, इससे मैं खुश हो जाऊँगा। फिर भारत भ्रमण करते हुए भाई हम यहाँ पे धर्म कोड में आके हिप्पी बन गए, मैं हिप्पी बन गया, शिवानी तो खैर नॉर्मल थी। लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं था, और खुश होना भी क्यों था, क्योंकि देखिए जो खुशी के प्रति मेरा नजरिया है वो नहीं बदल रहा था। बचपन से मैं सिखाया जाता है कि भाई खुशी यानी प्लेजर, मजे करना, और वो जो मजे करने का तरीका है कंजम्पशन, मैं सिर्फ कंजम्पशन के एक तरीके को दूसरे तरीके से रिप्लेस करे जा रहा था। अगस्त 2012 की बात है, मुझे भटकते भटकते अब 18 महीने हो चुके थे, मैं पौंडीचेरी के नज़दीक ऑरविल पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात लॉरेन से हुई। लॉरेन बूढ़ी थी, बीमार रहती थी, उनके पास पैसा भी नहीं था, वो फिर भी रेस्टोरेंट से झूठन इकट्ठा करके 40 से 60 कुत्तों का पेट भरती थी। तो उनसे मिलने पे मुझे लगा कि भाई रॉबिन सिंह, धिक्कार है तुम पे, इस औरत के पास कुछ नहीं है, ये अभी भी दूसरों के लिए इतना कुछ कर रही है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अभी भी अपना ही सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लॉरेन से मिलने पे मेरा दृष्टिकोण बदल जाता। जो मेरी माँ है वो एक स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से थी, तो बचपन से उन्होंने कहा था भाई तू अपने पिताजी की मत सुन, हमेशा बुद्ध के, नानक के, विवेकानंद के रास्ते पे चलने की कोशिश करो, सर्विस के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। तो माँ की बात मैं सुन तो लिया करता था, पर वो मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी। भाई मैं दिल्ली के रजौरी गार्डन से हूँ, मेरे लिए खुशी का एक सिंपल सा फॉर्मूला था, फूड, फैशन, फीमेल्स। तो खैर, ये जो माँ के दिए हुए संस्कार एक बीज की तरह मेरे मन में पड़े थे, लॉरेन से मिलने के बाद अंकुरित हो गए। तो ऐसा होने के बाद अब मेरे जीवन की दिशा बदल गई। जहाँ मैं खुशी के पीछे भाग रहा था, अब मैं पर्पस के पीछे लग गया, और पर्पस ये था भाई जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते उनकी मदद करना। तो मैंने लॉरेन को कहा कि आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अमेरिका जाके अपनी लाइफ रैप अप करता हूँ और मैं आपकी मदद करने आऊँगा। तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उसको लगा भाई कहाँ ये कल का लड़का मेरी मदद करने आएगा। खैर, फरवरी 2013 में मैं, शिवानी और हमारी मित्र जो अमेरिका से भारत आ गए। शिवानी ने घर और कारोबार संभाल लिया, मैं और जो लॉरेन की मदद करने लगे। लॉरेन का जो शेल्टर था IACC, हमने उसको रीबिल्ड किया, वहाँ पे हमने वॉलेंटियर प्रोग्राम शुरू किया, और लॉरेन की मदद करने के लिए हमने एक मैनेजर तलाशा। अब जो हम काम कर रहे थे वो अच्छा तो था, पर हमें कहीं पे लगा ये काफ़ी नहीं है। तो हमने निश्चय किया कि भाई हम दिल्ली जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा संसाधन है, और हम कुत्तों की नसबंदी का एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। भाई ना ये बच्चे पैदा होंगे और ना ये बीमारी से या क्रुएलिटी से मरेंगे। अब जब हम एक एक कुत्ते को उठाने जाते थे तो रस्ते में मुर्गियां कटने की दुकानें आती थी, मीट की दुकानें आती थी, और आपको भारत की सड़कों में 600 और समस्याएं दिखती हैं। तो हम समझ गए कि भाई एक एक जानवर की मदद करना अच्छा तो है, पर ये भी काफ़ी नहीं है, और हमें बदलाव लाना है तो हमें लोगों की सोच में बदलाव लाना होगा। जो लॉरेन ने मेरे लिए किया वही हमें लोगों के लिए करना होगा। दिसंबर 2014 में हमने पीपल फार्म की शुरुआत करी, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम रहेंगे भी, अपना खाना भी खुद उगाएंगे, और वॉलेंटियर्स की मदद से घायल जानवरों का इलाज भी करेंगे, और साथ ही साथ इन जानवरों की कहानियों की मदद से लोगों को उनके बचपन की संस्कारों से, बचपन की संवेदनशीलता से, बचपन की मासूमियत से जोड़ेंगे। कुछ ऐसे सवाल उठाएंगे जो उनकी सोच में वो परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी है, जिससे वो भी खुश रहें और समाज भी। तो अगर मैं समराइज करूं तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई समाज के बताए रास्ते पे आप खुशी के पीछे भाग तो सकते हैं, पर वो खुशी कभी आपके हाथ लगती नहीं। लेकिन अगर आप बुद्ध की तरह, नानक की तरह, विवेकानंद की तरह आप सर्विस को अपना पर्पस बना लेते हैं और आप उस पर्पस के रास्ते पे चलते हैं, तो खुशी खुद ब खुद आपके पीछे आ जाती है। हैप्पीनेस हैपन्स।